तो ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार प्रभारी राहुल वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राहुल जी, काफी लंबा वक्त हो गया, महंत का कोई अता पता नहीं है, पुलिस से क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? और बढ़िया करके कोठारी महंत मोहनदास जिस तरह से लापता हुए हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर ना सिर्फ चर्चा है बल्कि चिंता भी है साधु संत समाज में, क्योंकि जब से फर्जी जो संतों की स्थिति सामने आई थी तब से जो है कहीं ना कहीं जो है महंत मोहनदास पर जो है कहीं ना कहीं धमकियों की बात भी सामने आई थी। अब सवाल यही है कि जिस संदिग्ध परिस्थितियों में दो दिन पहले महंत मोहनदास लापता हुए हैं उसको लेकर साधु समाज न सिर्फ अब बैठकें कर रहा है बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है महंत मोहनदास का पता लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पूरी जांच को बड़ी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि हरिद्वार से मुंबई जा रहे थे महंत मोहनदास और अब वो लापता है, तो सवाल यही है कि आखिर मोहनदास है कहाँ, और अब पुलिस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए उनकी तलाश में जुटी है। जी नहीं, क्या कुछ कहना, क्या जिन लोगों की लिस्ट जारी की है क्या उन्हीं लोगों से खतरा है? बाकी महंत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से और जिन परिस्थितियों में मोहनदास लापता हुए हैं अब न सिर्फ बड़े अखाड़े बल्कि पूरा अखाड़ा परिषद और साधु समाज जो है उनकी इस तरह से लापता को लेकर न सिर्फ चिंतित है बल्कि पुलिस से भी जल्द उनकी खोजने को लेकर बार बार कह चुका है, और अब जो है बैठक शुरू हुई है संतों की और साफ तौर पर वो चाहते हैं कि मोहनदास का जल्द से जल्द पता चल सके कि आखिर दो दिन गुजरने के बाद मोहनदास कहाँ है और किन हालातों में है उसको लेकर उनको ज्यादा चिंता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस मोहनदास को ढूंढ पाती है और आज इस बैठक के बाद संत समाज जो है किस तरह से कोठारी महंत मोहनदास की तलाशी के लिए आगे की रणनीति बता जी। बिल्कुल, अब उनके बरामदगी के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या मसला था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।